राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जो 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, 2009 में यहां पर पहला चुनाव हुआ और काफी ऐतिहासिक ये जगह अपने आप में मानी जाती है, के साथ इसका सियासी महत्व भी काफी है। सचिन पायलट जो इसी टोंक से विधायक जीते हैं और इसी के साथ यहां पर किरोड़ी लाल मीना जो कि सवाई माधोपुर से विधायक हैं, जिस तरीके से देखिए अभी तो बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है, लेकिन अब यहां पर अगले फेज दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को चुनाव होना है। सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है, इसीलिए हम टोंक आज पहुंचे। सबसे दिलचस्प बात मैं आपको यहां इस इलाके की बता दूं, देखिए 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है इस बार यहां पर, जिसमें से 6 जिनका सरनेम या तो मीना है या फिर मीणा, और मीणा समुदाय यहां पर कितना प्रभावी है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं। कांग्रेस के तो जो प्रत्याशी हैं हरीश चंद्र मीणा वो खुद ही मीणा समाज से आते हैं, और इसके साथ सुखबीर सिंह जौना पुरिया 2 बार लोकसभा जीत चुके हैं और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं, तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। जनता के बीच हम पहुंच चुके हैं, हम यहां पर ये भी समझेंगे कि इस बार आखिर क्या कहता है जनता का मूड, अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए हाल में ही यानी कि कल पहले चरण के तहत चुनाव जिस तरीके से देश भर में पहला फेज 102 लोकसभा की सीटों के तहत जिस तरह से मतदान हुआ, गर्मी काफी प्रचंड थी। शुक्रवार का दिन और सूर्य अपने पूरे रौद्र रूप में दिखाई दिया, जिसका असर क्या हुआ, वोटिंग प्रतिशत कम रहा। इस बार पिछली बार के मुकाबले लगभग सभी जगहों पर वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा, यानी कि आप कह सकते हैं कि गर्मी का असर देखने को मिला है। लेकिन ये वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, इसके मायने भी हम समझेंगे। मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले मैं बाकी मेहमानों से भी आपका परिचय कराऊं। दुर्गेश जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे यहां पर ले लूं, मुझे ये बताइएगा इस बार माहौल है क्या? बिल्कुल माहौल है, जनता में रुझान है और लोकसभा चुनाव जो कि बड़ा चुनाव होता है देश का, इसलिए बिल्कुल माहौल है चुनाव के प्रति। और परिसीमन के बाद ये तीसरा चुनाव है, यहाँ पर एक बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के सांसद रहे हुए हैं और 21.5 लाख लगभग मतदाता हैं, जिसके अंदर ये वैसे जनरल सीट है परिसीमन के बाद, लेकिन कांग्रेस एससी एसटी को और बीजेपी जनरल को यहाँ पर टिकट देती आ रही है, और इस बार भी जनता का काफी रुझान है, और चूंकि लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है। इसको मैं विस्तार से आपसे समझूंगी और हम नीचे भी जाएंगे अपने मेहमानों और जनता के बीच, लेकिन उससे पहले वार पलटवार किस तरीके से हो रहा है एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है, वहां आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती। गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। अरे राहुल गांधी इधर रहते किधर, थोड़ी गर्मी हो गई तो विदेश जाते हैं और विदेश में अपने देश का बदनामी करते हैं। हमारे मोदी जी तो एक दिन भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने, ये फर्क है। कांग्रेस ऐसी कर दो कि अगली बार राजस्थान के प्रत्याशी भी न मिले। हाथ बदले का हालात और पब्लिक जानती है कि कांग्रेस जब सरकार में होती है तब परफॉर्म करके दिखाती है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बना दीजिए, लोग जिस कांग्रेस के बारे में कहेंगे कि एक थी कांग्रेस। 400 पार होगा, लेकिन राजस्थान को मैंने देखा हुआ है, इसलिए राजस्थान के अंदर 25 में से 25 आएंगे, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ। 2014 का हिंदुस्तान अलग था, 2024 का अलग है, जनता ने सबको पता लग गया कि इसमें क्या है, और जनता बिल्कुल गुणवत्ता के आधार पर निर्णय करेगी और ये सीट कांग्रेस को आएगी। टोंक मैंने बताया 2014 से पहले देखें और आज 10 साल बाद देखें तो टोंक में बहुत कुछ बदलाव है और बहुत कुछ बदलाव होना जा रहा है, अभी बहुत कुछ होना है। ABP News आपको रखे आगे।